अब ये देख सकते हैं कि OnePlus 7 Pro मेरे सामने रखा हुआ है। इसका बॉक्स खोल के मैं आपको इसका बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ, फ़ोन का डिज़ाइन और उसके स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और बॉक्स को खोल लेता हूँ। और ये बॉक्स मैंने खोल लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OnePlus 7 Pro लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। हालाँकि थोड़ा लाइट की वजह से आपको ये पढ़ने में नहीं आएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि OnePlus 7 Pro है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है जो कि हमेशा ही हम OnePlus के डिवाइस में देख चुके हैं। और अब इस लिड को हटा के देखते हैं कि इसमें क्या है। लिड के अंदर लिड मिलती जा रही है हमें, इसके अंदर और कुछ नहीं दिया। एक बार ठीक से देख लेते हैं, जी हाँ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये दो चीज़ें इसके अंदर से निकली हैं, एक तो सिलिकॉन कवर है जो कि एज़ यूजुअल आपको OnePlus के डिवाइस के साथ मिल जाता है, और एक ये छोटा सा केस मिलता है। इसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है जिसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं OnePlus के, क्विक स्टार्ट गाइड, और आपको वारंटी कार्ड भी इसी के अंदर मिल जाता है, और इसको भी यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। और ये रहा स्मार्टफोन जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। फ़ोन देख सकते हैं कि बेहद ही शानदार है, कलर बेहद ही इंटरेस्टिंग है, ग्लास फिनिश है, मेटल फ्रेम है, और जो उसका ग्लास है फ्रंट वो भी कर्व्ड है। पर एनीवे इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, अभी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं पूरी। फ़ोन को मैंने ऑन कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। कलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, जो डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको हटा लिया जाए तो यहाँ पर आपको एक वाप चार्जर मिल जाता है, वाप चार्जर 30 लिखा है इसके ऊपर, और इसकी चार्जिंग स्पीड देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस पर लिखा है 5V 2 Ampere, 5V 6 Ampere और मैक्सिमम फॉर वाप चार्ज 30, यानी वाप चार्ज 30, 5V 6 Ampere की चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन। और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। और आपको एक ये इसकी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, जो कि एज़ यूजुअल रेड कलर की है, जो कि आपने OnePlus के दूसरे डिवाइसेस में देखा है, टाइप सी केबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे ये सारी एक्सेसरीज़ आपको इसके साथ मुहैया करवाई जाएगी। तो चलिए, हमने आपको इस फ़ोन की रिव्यूज किट भी दिखा दी और मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखा दी। अब इस फ़ोन के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि क्या ये जो इसका इतना हाइप क्रिएट हो रखा था उस हाइप के वर्थ इट है। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.67 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला कर्व डिस्प्ले, जो कि आप सैमसंग के स्मार्टफोन्स में देख चुके हैं। इसके साथ साथ इसमें आप देख पाएंगे कि फुल बेजललेस डिस्प्ले आपको मिल जाता है, कहीं पर भी बेजल नहीं दिया, नीचे भी चिन जो है वो बहुत ही पतला कर दिया है पहले के मुकाबले, और बॉडी के ऊपर ही आपको इसका ईयर पीस मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। कुछ स्मार्टफोन हैं जो कि आपको स्क्रीन के अंदर साउंड टेक्नोलॉजी देते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेरा पर्सनली प्रेफरेंस रहती है कि बॉडी के ऊपर हो या फिर यहाँ पर ही कहीं पर ईयर पीस दिया हो, जिसमें सुनने में थोड़ी सी कन्वीनियंस रहती है। साथ साथ यहाँ पर आपको जो ये फ्रेम मिलता है वो मेटल का है, और बैक वाला पर आपको ग्लास मिल जाता है, और कलर आप देख सकते हैं कि बेहद ही शानदार है, नेब्यूला ब्लू कलर कंपनी ने इसको नाम दिया है। उस स्टिकर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, अब आप ठीक से देख पाएंगे इस फोन की लुक्स को। बहुत ही शानदार कलर है, डुअल टोन फिनिश दी गई है, और फ्रोजन कलर है थोड़ा बहुत, ये मैट फिनिश जिसको कह सकते हैं, प्योर मैट नहीं है, इसको शाइनी भी नहीं कहेंगे, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। यहाँ पर OnePlus की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, और यहाँ पर सिम ट्रे भी मिल जाती है, और एक माइक दिया गया है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ है आपका एक और माइक, पॉपअप कैमरा। यहाँ पर राइट साइड में पावर बटन मिल जाएगा, और आपको ये अलर्ट स्लाइडर बटन मिल जाता है, जो OnePlus का बटन आप पहले भी देख चुके हैं, और इस तरफ आपको लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम लॉकर की मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार भी कंपनी ने 3.5 ऑडियो जैक को हटा दिया है इस फ़ोन में से, जो कि OnePlus 6T में भी हटा दिया गया था। तो ओवरऑल लुक्स बहुत ही शानदार करती है, थोड़ा सा हैवी ज़रूर है स्मार्टफोन, अभी मैं किससे कंपेयर करके आपको बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी हैवी लग रहा है ये फ़ोन पकड़ने पर। इसके इंटरनल्स की बात की जाए तो बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट पर चलता है, इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 855 चिपसेट दिया है, और इसमें आपको 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम मॉडल मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा मॉडल आया है।
मैं आपको इसकी रैम और स्टोरेज दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 GB रैम वाला मॉडल है, इसमें 256 GB की स्टोरेज दी गई है। और स्टोरेज की बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि मेमोरी का क्या सीन है। आप देख सकते हैं कि डुअल सिम सपोर्ट है। ये सिम कार्ड का स्टाइल मैं आपको पहले भी एक स्मार्टफोन में दिखा चुका हूँ, आप गेस पर करवाएंगे कौन सा स्मार्टफोन दिखाया था। Huawei P30 Pro में ये स्टाइल दिखाया था मैंने आपको। अब जो नए मेमोरी कार्ड आएंगे उनको नैनो मेमोरी कार्ड बोला जाएगा। हालांकि इसमें सपोर्ट नहीं है नैनो मेमोरी कार्ड का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिम कार्ड ट्रे का स्टाइल जो है वो Huawei में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डुअल सिम सपोर्ट है, मेमोरी एक्सपेंडेबल का ऑप्शन नहीं है, पर एनीवे मेमोरी ऑलरेडी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और जो इसमें आपको 6 GB, 8 GB, 12 GB रैम मिल रहे हैं। मॉड्यूल्स में आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाते हैं स्टोरेज के, तो आपको स्टोरेज के लिए परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। UFS 3.0 स्टोरेज है इस बार इस फ़ोन की, और इसमें आपको 128 GB, 256 GB के स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इस फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट दिया है, रैम स्टोरेज लिखी है, और साथ साथ कैमरा भी मेंशन किया है यहाँ पर। 48+16+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, और 4000 mAh की बैटरी मिलती है। इसमें आपको 30 W की चार्जिंग स्पीड मिलती है सपोर्ट, मैंने आपको वो शुरू में दिखाया कि वाप चार्ज 30, वाप चार्ज 30 लिखा था उसके ऊपर। और अब एक बार हम कैमरास पे नज़र डाल लेते हैं। कैमरा इसका बहुत ही बड़ा हाईलाइट है इस बार, पॉपअप कैमरा के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48 MP का सेंसर प्राइमरी है, 16 MP सेंसर जो है वो वाइड एंगल फोटोज क्लिक करने की क्षमता रखता है। हालांकि फर्स्ट इंप्रेशन है इसलिए कैमरा क्वालिटी के बारे में जज नहीं कर पाएंगे। और जो 8 MP सेंसर है वो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वीडियो क्वालिटी में नज़र डाल लेते हैं एक बार। 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, OIS इसमें भी आपको मिल जाएगा, और नाइटस्केप मोड भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आप पहले भी OnePlus के डिवाइस में देख चुके हैं। वहीं अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, पॉपअप फ्रंट कैमरा। और आप देख सकते हैं कितना फ्लूइडली फ्रंट कैमरा इसका बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन भी दिखाई देगी जैसे ही फ्रंट कैमरा बाहर निकलेगा, देख सकते हैं। तो काफ़ी फ्लूइड है इसका फ्रंट कैमरा की जो मूवमेंट है, और फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहा है, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा आपको काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अजीब सी लाइट है मेरे स्टूडियो में, उसके बावजूद भी चेहरे पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी लाइटिंग की। और कंट्रोल्ड लाइटिंग कर रखी है इस फ़ोन ने। और फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा से आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फुली पावर पैक्ड स्मार्टफोन है। सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका। एंड्रॉयड आपको इसमें 9 वर्जन मिल जाता है, इस पर ऑक्सीजन OS 9.5.1 की लेयरिंग दी गई है। और एनीवे हम OnePlus के सॉफ्टवेयर से वाकिफ़ हैं अच्छे से, बहुत ही फ्लूइड ऑपरेशन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का छोटा सा डेमो भी कर लेते हैं। तो मैंने फिंगरप्रिंट अपना रजिस्टर कर लिया और एक बार अनलॉक करके देख लेते हैं। तो स्पीड काफी अच्छी है, पर फिर भी मुझे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा पसंद आता है। बहुत ही शानदार कंपनी इस फोन को लेकर, लेकिन प्राइसिंग इस बार थोड़ी सी कंपनी ने ज्यादा लग दी। OnePlus 7 Pro की शुरुआती कीमत ही 50,000 रुपये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 50,000 रुपये में ये फोन काफी एक्सपेंसिव है। हालांकि फीचर्स हम डिनाई नहीं कर रहे, बहुत बेहतरीन है, पर क्या आपको लगता नहीं कि OnePlus से हमें उम्मीद थी कि कम प्राइसिंग पे एक नया स्मार्टफोन लेके आएगी, तभी इसको फ्लैगशिप किलर कहा जाता था, लेकिन आज ये खुद इस प्राइस रेंज